जो पहाड़ों में से आए नाम माँ बाप के आए जो हो पूरी आजादी। चौथा वो चिमगादड़ है जो हजरत ईसा ने मट्टी से बनाए 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 जवाब दिया नाकाम हो गया। भाई भाई तारीख गवाह है कि जो जो भी अली के मुकाबले में आया ना हमेशा गुमराह हुआ। तारीख में दो रातें गुजरती हैं, दो ऐसी रातें गुजरती है इस पे तमाम मुसलमान एक मरतबा बहुत परेशान हुए। पहली रात खैबर की रात, एक मरतबा रसूल ने कहा कल अरब उसे जो मर्द होगा गैर फरार होगा। भाई तवज्जो है तमाम आजादी अल्लाह मुझसे दूंगा जो मर्द होगा गैर फरार होगा। एक मरतबा खैबर के मैदान का पूरी रात लोगों ने तैयारियां की, जब तैयारियां की तो खैबर का मैदान था। अगले दिन अली रसूल अल्लाह ने लश्कर में से अली को बुलाया और उसे मर्द पकड़ाया, तवज्जो हो अलम पकड़ाया और बता दिया कि ये मर्द है गैर फरार है। दूसरी रात मुबाहले की रात, जब ईसाइयों ने कहा ना कि हम मुबाहला करेंगे, भाई कुरान की आयत है अल्लाह फरमाता है हम अपने नफ्सों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओ हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ हम अपने औरतों को लाएंगे। और झूठा होगा उस पर खुदा की लानत होगी। एक मरतबा तमाम लोगों ने तैयारियां शुरू की कि रसूल की तो औलाद नहीं है, शायद बेटों में हमें लेके जाएंगे, शायद नफ्सों में हमें लेके जाएंगे। एक मरतबा लोगों ने देखा पहले का मैदान है, रसूल सूरत पाक के साथ आ रहे हैं, रसूल के हाथ में इमाम हुसैन है, जनाबे ज़ारा है, उन्होंने इमाम हसन को उठाया हुआ है। एक मरतबा मैं रसूल से सवाल करूं, या रसूल अल्लाह आपने हुसैन को गोद में उठाया है, जनाबे ज़ारा मौजूद हैं, उन्हें दे दे दे, आपने क्यों तकलीफ की? अजब नहीं के जवाब आए भाई मैंने हुसैन को इसलिए गोद में उठाया है कि कहीं लोग ये ना कहें कि बच्चा था, जनाबे ज़ारा घर में छोड़ नहीं सकती थी, मैं हुसैन को गोद में उठा के बुला रहा हूँ। आज इंसान को इमामत की जरूरत, आज इंसान को इमामत की जरूरत। एक मरतबा रसूल आगे आगे जा रहे हैं, जनाबे ज़ारा इस वक्त एक कदम पीछे पीछे हैं, वो सबसे पीछे अली जा रहे हैं, वो अली हर चंद में आगे होते लेकिन इसमें सबसे पीछे, ताकि लोग ये न कहें कि मोबाइल में ईसाइयों ने अली को देख के खौफ से मोबाइल मोबाइल क्या था कि जो भी आले मोहम्मद के मुकाबले पर आएगा अल्लाह की उस पर लानत होगी। तो अब मैं बताता जाऊँ कि लानत हम नहीं करते, अल्लाह ने की है। तारीफ खुदा के देखो जो भी आले तो जो है तमाम अच्छा डालो तो ये आले मोहम्मद के फजाइल हैं। हमें देखना है कि इनके इतने फजाइल के बावजूद हम इतनी मजे से अल्लाह मुल्ला बर्पा कर रहे हैं, आज सात सालों में हराम है अल्लाह दारो दारो। आज वो कुछ दिन रह गए हैं, कुछ दिन का मेहमान है ज़ारा का अच्छा दारो, पता नहीं अगला साल हमें मुहर्रम का नसीब होगा या नहीं होगा। आज चंद लम्हों के लिए हुसैन पर रोको, न जाने कब वो हमसे राजी हो, कब हमें अगली बार अपने अजा के फर्श पर बुलाए, हमें अजा के फर्श पर बुलाए। अजा दारो सात को हजम से कर बुला में पानी बांधे, दस को हजम से कर बुला में पानी बांध रहता है। कासिम भी शहीद मारे जाते हैं, कासिम भी शहीद हो जाते हैं प्यासे, अब्बास भी प्यासे शहीद हो जाते हैं, हुसैन भी प्यासे शहीद हो जाते हैं। अच्छा दारो लेकिन तारीख हमें ये नहीं बताती कि सकीना कितने दिन प्यासी रही, बाप कितने दिन प्यासी रही। एक मरतबा काबला शाम की तरफ पड़ता है, न जाने अली की बापर्दा बेटियों ने शाम के बाजार में कैसे सफर किया होगा। मैं नहीं जानता इमाम सज्जाद ने अली टुपियों के साथ कैसे सफर किया होगा। एक मरतबा शाम शाम अली की बेटियों को लेके जाया गया, हजरत दारो आप रो नहीं सकते, आपकी आंखों में आंसू आना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अली और अब्बास गाजी अब्बास के मसाइब पे हाय तो कह सकते हैं ना हजरत दारो। ये सब हमारे जो हाथ है ना गाजी के हाथों का सदका है।
औलादे अली ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आखिरी वक्त था, एक मर्तबा मौला गाजी इमाम हुसैन के पास आते हैं, कहते हैं मौला मुझे जज की इजाजत दे दीजिए। मौला मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैंने कासिम की लाशों को उठाया है, मैंने अली अकबर के लाशों को उठाया है, मौला मुझे एक मर्तबा जज की इजाजत दे दीजिए। ये कहना था कि एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा बच्चों को जमा किया, बच्चे अल्लाह ताला के सदाए ले रहे हैं।